मरियम, रबाब कहाँ रह गए तुम दोनों? जरा आके मेरी मदद कर दो, मेहमान आने वाले होंगे। कहाँ अचानक से गायब हो जाती है ना ये? कब आ रहे हैं वो? अभी थोड़ी देर में। हाँ तो आने वाले को कौन रोक सकता है रबाब? वैसे भी तुम्हारी शादी कब से मेरी वजह से रुकी है। अभी मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर रही, लेकिन ये रिश्ता मुझे नहीं पसंद। वो लड़का कपड़ों की दुकान में मैनेजर है। तो अम्मी क्या हाँ कह रही है उन्हें? उनके मूड से तो यही लग रहा है, सुबह से अपनी किस्मत को कोसे पे कोसे जा रही है। तो और क्या करेंगी वो रबाब? आप ही तुम मम्मी से कहो ना कि वो उनको मना करते हैं, प्लीज। इनसे पहले तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा फैसला हो जाए। तो तुम्हें मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे हालात तो वहीं के वहीं खड़े हैं। पता नहीं अम्मी क्यों अचानक मेरे केस में एक्टिव हो गई। मैं समझ सकती हूँ। तो ठीक है, तुम मम्मी को जाकर कह दो कि वो उन्हें मना करते, नहीं तो मैं कसम खा रही हूँ मैं सबके सामने खुद मना कर दूँगी। तुम्हें कोई नया मसला खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके अम्मी से बात करती हूँ। थैंक यू आपी। अम्मी वो यहाँ नहीं चाह रही। और कब तक रोकूं? पहले जो कुछ हो चुका है उसके बाद पता है क्या होना है? नहीं, कुछ भी नहीं हो चुका। आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप चाह रही है ना कि मेरी रुखसती हो जाए तो बेशक आज करवा दे। मरियम, फैसल के फालिज ने हमारा इम्तिहान और बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। उसे तुम्हारी जरूरत है और उसके घर वाले तुम्हें उससे दूर रखना चाहते हैं। मैं अभी आप सिर्फ रबाब की सुने, वो यहाँ रिश्ता नहीं चाह रही। ये मैं डरती हूँ तुम्हारा किस्सा लोगों की जबान तक पहुँच गया तो कोई हमारे घर की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। तो ना देखे, आप बस रबाब का इनकार कर। इनकार तो नहीं करूंगी, लेकिन वही कहूंगी जो हमेशा कहा है कि पहले बड़ी चली जाए घर से। मैं आप मुझे रबाब के रास्ते की दीवार ना बनाए प्लीज। मुझे तुम दोनों तंग ना किया करो, वरना कसम से ढूंढते रह जाओगे कि एक माँ थी जिसे रुलाया करते थे। पता नहीं मैं क्या नसीब लिखवा के लाई हूँ। या अल्लाह, हेलो। जी जी, एक अच्छा नहीं, वो बिजी है जरा। जी खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, नहीं आ रहे वो लोग। क्यों? उनके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई। या अल्लाह मेरी किस्मत, मुझे पहले ही पता था कि तुम लोगों के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे तो यही सब कुछ होने वाला है। अम्मी शुक्र मनाए प्लीज। क्या शुक्र? हर चीज पर रोना नहीं होता। एक को देखो, उसने ऐसे करके रखा है दूसरे को भी। या अल्लाह, तूने मेरे नसीब में क्या लिखा, क्या बनेगा मेरे दिन का।